आऊंगी ये बताऊंगी कि बिना नहाए पूजा में आए हो तुम दोनों। मानो लेफ्ट वहां पड़ेगी जाके तन्ने देखे आते हैं हम। और या तो 50-50 रुपए दे दो वरना मैं पिताजी को बताऊंगी। 50-50 रुपए दे दो डर के बोल ही मार दो रे। सबन तो देख ले मनी 50 रुपए मुझे नहीं पता 50-50 रुपए दो वरना मैं पिताजी को बता दूंगी। अरे ओए समझा लेते दे दे है तो लाडली। आजी लाडली मारी पोल खोलती फिरो जा। ले ये तो 10 है। 10 ये रे अब 20 हो गए पिताजी मुझे बता दिया। अरे क्यों आज तो छोड़ दिए 20 रुपए दे के भगा दी मैं कल को पूरे 50 लेंगी। अच्छा काट के दे के 50 का चेक सर। हाजी हमारी परवरिश में कौन सी कमी रह गई। मैं तो परेशान हो गई हूँ इन दोनों बच्चों से। एक नंबर के निकट्ठू निकम्मे है दोनों। ये कमी हमारे ना है। ये कमी है बच्चों के बाहर की परवरिश की। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ इनकी शरारतों से। क्यों अजी क्यों तो ये बात है कि जब बाहर का माहौल है ना कि बाहर के लोंडों में रह रहे के इन पे भी वैसा ही असर आ गया। वे तो सारे निकट्टू है ही और इनको भी निकट्टू बना दिया। ओसा बात तो ठीक कह रही। ये जो बाहर के बच्चों में खेल कूद के बिगड़ गए ना यो उन्हीं का असर है। और बच्चों को छेद पीट के हमें और घर तक बुलाना नहीं आने देते। हमें तो जब पता लगे जब पड़ोसी बतावे। आज ही क्या करें इनकी शरारतों ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। ठीक कह रही अभी अल्लड़ उमर है खेल कूद के सब सुधर जाएंगे। और तू जाते टेंशन में कुछ करे काम काज देख ले और मैं भी बाहर को घूम आऊं। ठीक है जी मैं भी अपना नींद ले। यार चकनट हाँ यार आज दिल पे बहुत ज्यादा जोर पड़ा है। क्यों होगा। अरे मेरी बहन ना सरिता हाँ उसने आज 50 रुपया मांगे और मेरे पे 50 रुपया ना पड़े उसके लिए। यार कुछ ऐसा कर कि कहीं तो कुछ पैसा आ जा थोड़ा काम कुछ भी हो यार। मेरी एक बात सुनो है कि नौराम खंड आज भी घर में भर ले। अरे बावड़ो रहा तू उसे घर में पढ़ ले कुछ और ढंग का काम है ना। अरे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। अरे चोरी वोरी ना है मेरे बस की। हर चोर के घर में चोरी करने में कौन सा पता रही है। थोड़ी बहुत हम चोरी कर लेंगे तो कौन सा पता सारा काम लूट के रखा हमने। तो अब हम उसे लुटेंगे के दिक्कत तो है नहीं कुछ। यार तू तो गलत कह रहा है पर तू चल खड़ा हो चल तू खड़ा हो। भाई यू तो नाबालिग ही है और इसके इसको तो दूध के बिना टूटे बोलो। अरे टूट गए। अरे भाई मैं एक बात कहना चाह रहा था तेरे से। यार पैसे वैसे खर्च वर्च खत्म हो गए यार कुछ बता यार कुछ कर कहाँ जेब से। सच में पैसे बिल्कुल ही नहीं। पैसे हाँ करवाओ इंतजाम। अरे कहीं ना कहीं यार करवा एक काम करना पड़ेगा। बता रामफल। हाँ रुक क्यों दे रहा भाई कदी वहां मारे जा वो मेरे पे जोड़ दे। अरे सुसरा डके तो पूरा है वो साला ना पूरे गांव लूट के धर दिया। नू बता आज लोग का कोई ऐसा आदमी तेरे गांव में जिसे उन्होंने ना खाया हो। और फिर हम कौन सब छोटे मोटे है साला कोई बच लिकटेंगे हम भी माहिर है। चल ठीक है आज मेरे पे छोड़ दे। चल ठीक है जैसे जैसे मैं कहूंगा ऐसा ऐसा कर लिया बल्ली कट ले साले का आज वहीं से है पे खर्च हो गया जल्दी 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 जल्दी।
यहाँ ना मिला कुछ भी, पैसा के बिल्कुल कंगाल हो गए घुस के। ऐसा उन्हें लूट कर तो दुनिया दे रखी, कहाँ दबा रखी। अच्छा दूसरे इसमें यू लाला है लाला, इसमें देख ले चटा ले यू ला देख ले काल को रखा भाई यही को देख चीनी भाई थोड़ी सी शुगर कर लू पर चीनी खाओ करते उठ से भाई उसे धर दे चल चल चल। अरे कहीं रात पानी पे गए थे क्या जो हम लोग पड़े सो रहे। भाई हद कर दी इन्होंने तो, हमने पूजा भी कर ली, नहा धो भी लिए, नाश्ता भी कर लिया, और इनका दिन ना निकला अब तक। क्या खर्ची रहे सपने में कुश्ती हो रही थी मारी। अच्छा सपना तो मैंने देखा, तेरी गल क्या हुई ना बस सुनी। सपने तो उन्होंने देख रहे सपने हो गए तो तांत्रिक विद्या होगी। तुम तो धमका की बात कर रही हो, तुम तो काम करना। क्यों क्या के बात हार्ड कोर्ट से तुड़वा फिर रहे दोनों ही कैलेट भिड़का है क्या। अरे पिताजी हमें कोई छेद सके
तो सपना देख रहे एकदम, सपने में घने आत्मा से डूब रहे। सपना तने देखा सपना? अरे सपने में तो मेरी कड़सी तोड़ दी। सपने में थारी किसी ने दही तोड़ दी। थारी ढाल के लौंडे बाहर दौड़ लगाते फिरे, तुम अब तक खाट तोड़ रहे। हाँ? चलो खड़े हो, कुछ काम मिला देख लो, सूरज देख लो कितना चढ़ रहा सिर पर। गांव की छोरी कहाँ को जा रही? आजकल बहुत निखार पा रही। कौन सी चक्की का आटा खा रही? अभी तो हमारी चक्की का भी खा ले। चक्की? जिस चक्की का मैं आटा खा रही ना, अगर तेरे हार्ड कोड पिसवा दे ना, उसमें कचुम्बड़ बन जाऊंगा, पता भी ना चला तुझे। चीना? अरे चीना कौन कमबख्त करता रहा, कोई कमबख्त मार कभी तो नहीं, मेरी कत्ल कर दे। कत्ल? तेरा ऐसा कत्ल करूंगी तेरे साथ पीडी भी याद रखेगी कि हाँ किसी वर्षों से पाला पड़ा था। चलो जी ऐसे भूखे सकल के। हम भी तो खा ले अपनी साथ पीडी को। जानते नहीं तुम कौन हूँ मैं? हमें जानने की जरूरत ना, तेरे की ढाल के कुत्ते नुई गले में धक्के खाते फिरे। अरे नुई पिटक रे, अरे बिल्ली की शिकल थोड़ी शेर तक मिल गई, बिल्ली शेर हो जाएगी। अरे मार तू इसके। देख लिया आजा, इतना बड़ा सामान है तू देख लेगा। अरे मुझे लग रहा है आत्महत्या करने के चक्कर में आई। जरूर इसके दिल को ठेस पहुंची कोई, और आदमी को जब दिल को ठेस पहुंचती है ना, वो आदमी तभी जरूर सोचता है घर से बचाओ चल गए। अरे सुनियो बदतमीजी, अरे मरण आ रही तू आशिक, मुझे बदतमीजी बता रही? बहुत मत करना हरी लोंडी। अरे कौन से डर रही तू बिल्कुल भी? आत्महत्या करना यहाँ क्यों सर? पागल हो गया? पागल हो गया? अरे कमनम किसे घर जावेगी, उसका घर बसावेगी, मुझे पागल बता रही? मैं आत्महत्या करने आई थी यहाँ। और ना यहाँ तो तू बह चुकवान आई थी, आत्महत्या करने आई थी, और हम तो भागे भागे नु आए थे, कभी इसमें कूद के जान देते अपनी तू मारी डब तक कहीं जा। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, छोड़ूंगा नहीं, बदला तो मैं लेकर आऊंगा और ऐसा बदला लूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा नहीं मन को, अगर मर्द के बच्चे हैं तो मुझसे अकेले से आके मिले, जान से मार दूंगा, दो दो एक पर बदला लूंगा भाई।
बदला जरूर लेंगे, कुछ प्लान सोचो। सोच लिया, अब की बार ऐसा प्लान होगा कि खाली नहीं जाएगा और उनको छठी का दूध याद आ जाएगा। भाई बात तो तुम सही कहते हो। अच्छा भाई मैं चलता हूँ, जो मेरे लाख सेवा होगी मुझे बता दिए। जितेंद्र, ओ जितेंद्र, आओ भाव जी आओ। अरे आ तो गया मैं, पर कुछ हमारे बारे में भी सोच ले। उन पैसों दिल्ला के है बाबूजी, मेरे याद है थारे पैसे है, थोड़ा पता गरीब आदमी हूँ मैं। देखा पाई दे मत हरी, काम धंधा कुछ चल नहीं रहा। अरे पाई तो देगा, पर पीसा तो बहुत हो लिया। और मैं तेरी ऐसे लग नहीं रही एक पैसे की भी, अगर तू दे दे मैं खा लो बांट देखू। ऐसी बात नहीं है बाबूजी, मैं गरीब जरूर हूँ पर मेरे याद है हरी, एक कप पाई देना। भाई याद है पर मैं जा नहीं पता, मैं ज्यादा बांट नहीं दे सकता। हाँ एक ऑप्शन है, वो मैं बता दूंगा तुझे और सारे कर्जे का तू बरी। ऑप्शन? ऑप्शन काहे का चौधरी साहब? अरे ऑप्शन तो बहुत बढ़िया, और तू सा कर भी देगा, तेरे बस की भी है। मैं कुछ समझ रही जी। अरे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, अपनी लुंडी का ब्याह मेरे तक कर दे और तेरा सारा कर्जा माफ, और मेरे पते ले लिए। चौधरी साहब कैसी बात कर रहे हैं? आप कहाँ और मैं कहाँ? मैं थारी एक कक पाई चुका हूँ, अपनी हैसियत देख लो चौधरी साहब और मेरी हैसियत देख लो। अरे मैं हैसियत देख के ही बात करी, तेरी इज्जत भी बच जाएगी और तेरे दो पैसे भी मिल जाएंगे, ज्यादा सोचा ना। इसके अलावा तेरे लिए दूसरा ऑप्शन है नहीं, कल को लोन जगह ब्याह कहीं और भी करेगा, वहां भी कर्जे में डूबेगा। तू अपनी लोन जगह ब्याह मेरे तक कर दे और तू सारे कर्जे तक माफ। ठीक है राव बाबू, सट गया कि कर्जे के चक्कर में तू मुझे किसी के पल्ले बांध देगा, एक बार मेरे से तो पूछ लेता। लाली तुझे पता घर की हालत क्या हालत हो रही, अब तेरा भी ब्याह करना था, और की गैल करना हो या इसकी गैल करना, पहले तो तेरा हाथ करने है और घर की हालत तुझे पता ही है, और इसका कर्जा भी आ रहा, कितना कर्जा हो रहा है इसका पता है, ब्याज पे ब्याज लग के। अगर मैं घर भी बेच दूंगा जब भी इसका कर्जा ना दिया जा। बापू मैं मर जाऊंगी पर इससे ब्याह ना करने की, मैं बता रही हूँ तुम्हें। ठीक है एक तो मैं जा रहा, समझा लियो उसे, नहीं तो पूरी जिंदगी कर्जे में ही रहेगा। जा रहा हूँ।
दिखे पैसे काट के। मुझे ना पता, मैं तो अंदर काम कर रही थी। और यहाँ कौन सी बात थी? सारा दिन सुन रहा हो जाओ, मुझे कोई काम का धंधा नहीं दिखता है। अरे भगवान, तू चिल्ला ले क्यों? मैं तो नो बुलाई थी, नो पूछू था पैसे किसने काटे? अरे तेरे नहीं काटे, मैंने नहीं काटे पैसे के, और भूत काट के ले गए। अरे मैं आज उन दोनों तो सुना डूबा। तुम जानो थारी औलाद, मुझे बीच में ना बड़ा करो। दिमाग लग रहा ऊपर गिर दूंगा। जो तो मेरा बड़ा भाई ना होता, भी तेरे ऊपर नुक जाता सारी। अरे भाई रुक जा यार, बजे बात नहीं बता रही कल। अरे तू क्यों गिर रहा मेरे ऊपर? कल तो तुम्हारे में पैसे होते नहीं। अरे बुड्ढे के काटे हैं पैसा। बुड्ढे काटे पे लगा लिस में कहीं बुड्ढे का टैग ना पड़ता कि पैसे काट लिए। बाबू मुंगा और बड़ा। अरे गिला तू पुट्टा भाई ना। क्या खड़ा तू उतर रहा है? बस तमी दी पूरे यार, देखो ये पैसे नु ही उड़ रहे ना। पैसे कौन से पैसे? कौन से निकाल के लाए? हम ऐसा काम कर सके? ये मर्डर कस्ती, ये कहां से आए पैसे? हो ये तो पैसा रहे हमारे पे, समझ लगे हम सारे पैसे काटेंगे और वो भी अपने घर में चोरी करेंगे। हम मुझे मेरे भाई पे पूरा भरोसा है। और मुझे अपने भाई पे पूरा भरोसा, हम पैसे काट सके पर चोरी नहीं कर सकते। तुझे इस पर भरोसा और इसे तो इस पर भरोसा, और पैसे काट सको पर चोरी नहीं कर सकते। हाँ भाई इतने निकम्मे दोनों के दोनों, वो क्या उसने काटे और वो क्या उसने काटे, कोई से ना रहा नहीं दिया और पैसे कुर्ते मजा कर दे और नुका चोरी नहीं करी हमने। अंकित बस ठीक। अरे शादी कर ले, शादी ऐसी हो जा। अरे मेरे माँ है, बाप है, जो हाथी जैसा भाई है, तू तो मेरी दही तुड़वाना चाह रही है। अरे घर तक काट देंगे मुझे। नू थोड़े हैं नू को आप बिजार मेरे मार, नू ब्याह आग रहे हैं। अरे तू चाह के लिए मेरे ते? अरे तने देखा के मेरे में तेरी कुछ मजबूरी है के? अरे गाँव में और भी है, अरे यू भी है। दिक्कत है तुझे? योगेश मुझे छेड़ा है और मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहे। अरे ऐसा कैसे कर देगा जबरदस्ती? तेरे माँ है, तेरे बाप है, उनसे कह। मेरे तक क्यों कह रही है तू? अब उसे तुड़वा है फेर के मारे पे। उस वाला मरना चाह रहा है और कुछ ना है, कुछ ना करने का जबरदस्ती। जबरदस्ती ब्याह करेगा किसी तो? मेरे पिताजी ने योगेश से ब्याज पे पैसे ले रखे, उसने बड़ा चढ़ा के इतने बता दिए, हमसे ना दिए जा रहे अब, और वो मुझसे जबरदस्ती शादी कर लेगा और पापा भी मना ना कर पाएंगे। अरे पैसे तेरे बाप ने लिए, तुम्हारे क्यों बड़े पड़ रही है? कहीं और देख भाई अपना ठिकाना। अंकित शादी तो मैं तुझसे ही करूंगी। अरे गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ा ही है। अगर तुम नहीं मानते हो तो आज से मैं अपने तन मन भगवान को साक्षी मान के मैं तुम्हें अपना पति मानती हूँ।
तुम्हारे चरणों की धूल अपनी मांग में सजाती हूँ। आज से तुम मेरे पति हुए। तो पहले खड़ी हो, भर जा और सोच के जब कोई फैसला ले, ठीक है? यार तू जिम्मेदार है, इसका नुका घर जाके फैसला लिए करिए वो करिए। अरे के करता था, मेरे पैरों में पड़ी हूँ। पैरों में दुनिया पड़े लगी, अगर नहीं ब्याह कर ले आदिश होते ही। मैं क्या करूं? तू भी गऊ चल जा, वहां भी गऊ चल दी, चले जा जा जा। हाथ में रस्सी, अरे मुझे लगा मरण ना जा रही हो गई यहाँ। पर्वत के हो हम कितने बुरे, पर किसी को मरण नहीं दे, हम देखें कहाँ जा गया। रुको 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 मैडम जी, हाथ में रस्सी और चेहरे पे उदासी, कहीं इरादे तो नेक है आपके? हाँ? बोल, कुछ तो बोलो, गुंगी तो नहीं है? मैडम जी आत्महत्या करना पाप है, जीना सिक्कक है जीना। भगवान ने इतना अच्छा खासा शरीर दिया है और रस्सी लेकर तुम मरने चल दी। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो? लड़कियों से चिपकने का और कोई प्लान नहीं होता तुम्हें? जाने दो मेरे को। अरे लड़कियों से चिपकने का, अरे उल्टा चोर कोतवाल को डटे। अरे हाथ में रस्सी ले रही आदमी के सोचेगा है? लड़कियों से चिपकने का तू ही है सीरी देवी की भांजी, तेरे से चिपक हुआ मैं। अरे फिर भी मैडम जी मैं तो समझाऊ तुम्हें, आत्महत्या नहीं करा करते, पाप हो पाप, राम जी को भी बुरा लगे। अरे मैं आत्महत्या नहीं करती, क्यों पकड़? पेंडा छोड़ बाबा, मेरा पेंडा छोड़। मुझे भरोसा सा नहीं हुआ अभी। पेटी खोल रखी थी क्या बुग्गी की? बस ठीक। क्या हाल है? अरे ये क्या कर दिया तुमने, मार दिया उसको, अब क्या होगा? जेल जाओगी, फांसी होगी। नहीं मुझे जेल नहीं जाना, मुझे जेल नहीं जाना। उसको तो मार दिया, जेल तो जाना ही पड़ेगा। जेल नहीं जाना। एक काम करो, अब तुम निकल जाओ, मेरे से बाद में मिलना। आरती, काम हुआ? कहां तक पहुंची बात? योगेश जी, वो काम पूरा नहीं हो पाया। कैसे नहीं हुआ काम पूरा? अगर वो काम पूरा नहीं हुआ तो तुम्हें पता है मैं तुम्हारा क्या असर करूंगा? तुम्हारे सारे सबूत मेरे पास है, मुझे काम चाहिए, काम। योगेश, ये काम उससे नहीं हो पाएगा। संजीव इतना भोला लड़का, तुम इसे मासूम लड़के को कैसे सोच सकते हो फसाने की? मैं नहीं कर सकती ये काम। ऐसा है, तुम्हें ये नहीं देखना कि वो भोला है या मासूम है, तुम्हें काम करना है, काम। तुम्हारे सारे सबूत मेरे पास है, सारे सबूत पुलिस को दे दिए ना तो तुम्हारा जेल में क्या असर होगा ये तुम भी नहीं जानते, मुझे काम चाहिए। योगेश, मैं कुछ नहीं कर सकती, प्लीज मुझसे ये काम नहीं होगा, मत कराओ मुझसे ये काम।
मैं कुछ नहीं जानता। आपकी बार मैं ना नहीं सुनने वाला। आपकी बार खत्म, समझ गई ना? तुम बहुत सारी हो, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है। अगर तुम्हारे पास मेरे सब मुद्दे होते ना, तो मैं तुम्हें बताती। और आपकी बार मुझे मेरा काम पूरा चाहिए, पूरा। फालतू की बकवास मैं सुनना पसंद नहीं करता। जाइए। सुना है कि भगवान? हाँ जी, बोलो। मानो कहो था मैं कहीं ना कहीं जा तो के ब्याह कर देते। मैं क्या कहूँ, जैसा करते हो कर लो बस। और ब्याह पीछे तो सब अच्छा अच्छे सुधर जा, वे भी सुधर जाएंगे। नहीं कहूँ था मैं भी, मगर भाई कुछ बस कर लो जैसा करते हो। अरे सभी निमट जाएगा हमारा। हाँ। और उनमें भी कुछ बदलाव सा आ जाएगा। बदल जाएंगे वे भी, अच्छे अच्छे बदल जा ब्याह के बाद। ठीक कहो गलत कहो? हाँ ना ठीक कह रहे। बस तो मैं तो नहीं चाहूंगा भाई, मगर राय ले लो घर वाले की भी। हाँ ठीक है। क्या कर रहे थे? आ गया भाई। करते क्या भाई, विचार बना रहे हैं। मगर भाई सारे ब्याह शादी कर दे और अपना फर्ज से निपट जा। हमारा ब्याह भी हो जा और तुम सुधर भी जाओ। सुधरने को ऐब आ रहे हैं हमारे में कुछ? तुम सुधर जाओ चले गए क्या? अरे यो क्या था, थारी तो तबीयत खराब थी। जब तन्ना निकम्मे जन रखे नी, इनका ब्याह तो मैं करवा के छोड़ूंगा और इन निकम्मों का मैं भी निकम्मा बाप हूँ। अजी हमारे तो सचमुच में पेट में पानी सा कर दिया था हमने। हम तो डरी गए थे, ये क्या हो गया अजी ने? अरे तेरे पेट में पानी काहे को रे, खा पी मौज ले। अरे अभी तो मैं हट्टा खट्टा हूँ, हैं? लोग तो 100 साल के हो गए मरे, अभी तो मैं 50 साल का ही हूँ। तो क्यों घबरा रही? चल कुछ खाने पीने को बना ले, जा घबरावे ना। अरे चुन साहब आप, और ये सब क्या है चुन साहब? अरे कुछ नहीं जितेंद्र, थोड़ा शगुन था, कुछ पैसे है तुम्हारे काम आ जाएंगे। और हाँ, पंडित जी ने शादी का मुहूर्त निकाल दिया, इस महीने की 12 तारीख को शादी है, और ये पैसे है, तुम शादी की तैयारी करना और कुछ तुम्हारे काम आ जाएंगे। वो तो ठीक है चुन साहब, पर इन चीज की क्या जरूरत थी? नहीं ये तो एक शगुन है, और अब तो आप
नहीं नहीं, अब तो आप मेरे ससुर जी हो गए और मैं आपका दामाद। अच्छा ससुर जी चलता हूँ, शादी की 12 तारीख है, याद रखना। अरे कुछ बताओ कभी पढ़वाऊंगा की। अरे वो ना योगेश, हाँ अरे वो जबरदस्त शादी करना चाह रहा उसे, और वो कह रही है कि अगर तू ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। तो भाई कुछ कर। अरे करना के है, तू कह रही है तुझे चिट्ठी मिलेगी ना यू, चाहे तुझे मैं ना मिलूं, यार कुछ कर यार। अरे तू जल्दी खड़ा हो, टक्कर ढूंढ लेगा तू सब, जल्दी खड़ो जल्दी जल्दी। ये सुन रहा हूँ मैं, ओए बुड्ढे सुन।
अमानत मेरी है। कर्जा तेने ले रखा, इन्हें ले रखा, कर्जा देगा उसका तू। अगर वो दोबारा यहाँ आया और उसने छेड़ी तो सारे जान तबार दूंगा। जितनी कही है ना उतने बड़े कानों में घेर लिए। अगर वो यहाँ फटक गया ना तो तेने जानी है, मैंने जानी फिर उस साड़ा मुझे जब मिलेगा ना तो जमीन में धाक होता है। ये तो हमारे करानी खोटे हैं जो भगवान ने ये इतना बड़ा पहाड़ सिर पर फोड़ दिया। वो दो दिन का लौंडा हमारी इतनी बेइज्जती करके चला गया। चल मित्र को अंकित अंकित नहीं बैठे रहोगे का कुछ सोचो, कुछ करो यार, करना क्या है यार, कुछ तो प्लान बनाओ। जोगेश से कैसे बदला लिया जा? बहन को छेड़ दो या किसी की बहन को छेड़क रह गए? वह एक तरकीब तो है, उसकी बहन को छेड़ने के बजाय उसकी बहन को पटा लो। और जब पता चलेगा साले को, जब पता चलेगा साले को दूसरे की लड़की को छेड़ने का ज्यादा दर्द हो, तू पटाऊंगा, चकनक पटा लेगा। देखू, अरे यार हमारे माँ बाप की इज्जत है गांव में, कोई के कहेगा ना तो देख ले। अरे के फर्क पड़ेगा, चोर के घर चोरी करना कुछ नहीं है और फिर हमें बदला लेना। और वर्षा के साथ हुआ तो हमारी साथ हुआ, तो हमारी दोस्त है, हम अपनी दोस्ती को निभा कर रहेंगे, इसका बदला लेकर रहेंगे। अरे बदला तो लेगा, कोई और तरीका भी तो हो सके दूसरा बदला लेने का? कोई तरीके नहीं है, यू ही तरीका है बस। करेगा तो इस काम पक्का करूंगा जब तो एहसास होगा उसे। हाँ भाई अंकित, अंकित तेरा मन क्या कह रहा? अरे जैसे तेरा यार कह रहा ना ऐसी करो। अरे तुम इज्जत को मत देखो यार, तो किसी के घर की इज्जत है या उनकी इज्जत इज्जत है, हमारी इज्जत इज्जत ना है। चलो भाई चलो, जी ऐसी बात है तो साड़े के पाड़े के पोते से। हाँ पाड़ो, चलो यू लग जाएगा। हाँ या वर्षा भी चलेगी? गहल चलेगी, छोड़ लेके चली सभी। हाथ में ठाल ली, चल आ जा जल्दी। हेलो, स्कूल में, स्कूल में जा, कहीं ड्यूटी पे जा। क्या हाल है सामान के? वर्षा बता इसके साथ क्या किया जाए, इसके भाई नहीं तुम्हारे साथ बदतमीजी करी थी। अरे वर्षा क्या कहती, जो करना था मैं करो उसके साथ, चल जाएगा सभी पता। कोई कुछ नहीं करेगा, स्कूल में पढ़े। अरे रुक जा, स्कूल में पढ़े वहां गुल छेड़े, हमारे साथ भी गुल छेड़े उठा ले। चकनट करेगा जो करेगा, तब मर जाओ। अरे चकनट नहीं मैं करूंगा, बस इतना ही बहुत है, ये अपने भाई को जाके बताएगी। अब मर्द का बच्चा है तो भेजिए इसे, जा जा। इतने निकम्मे बाप की औलाद नाम वर्षा ने रोक दिया, अलियास तेरा जो अर्ज करते वो भगवान भी नहीं जाना था। भला इज्जत है हमारी भी काम में। क्या हुआ, रो क्यों रही है? भैया वो है ना संजीव, उनके दोस्तों ने मुझे कहना क्या चाहती है, साफ साफ बता। मैं कॉलेज से आ रही हूँ, उन्होंने मुझे छेड़ा। क्या जा बहन, तू अंदर जा। उनकी इतनी हिम्मत कि राणा की बहन को। रुको, तुमने संजीव को कहीं देखा क्या? संजीव को ढूंढने की क्या आफत पड़ेगी जो आज तुम संजीव को ढूंढ रही हो? अरे मैं संजीव से प्यार करने लग गई हूँ, मैं उससे अपना दिल दे बैठी हूँ। मैं उसको कब से ढूंढ रही हूँ, वो मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा है।
वो मेरा दोस्त है, प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ता, भूल जाओ उसे। आपको नहीं पता मैं उसके लिए कितना परेशान हूँ, दिन रात बस मैं उसके सपनों में खोए रहती हूँ। मैंने अपना खाना पीना सब छोड़ दिया, कृपया करके प्लीज आप मुझे बताइए संजीव कहाँ है इस वक्त, वो मुझे कहाँ मिलेगा। अरे यार ये प्यार भी कितनी कुत्ती चीज है, जो देख के खाना पीना भूल जा रहा है। चलो वो राम शरण के खेत में टोड़ू के धरा बैठा होगा तो मुझे क्या। संजीव, आरती तुम यहाँ? आज भी कहीं मरण जा रही है या फंसी खसी खाने का इरादा है या कहीं नदी बदी में डूब कर मरेगी? नहीं संजीव, मैं मरने नहीं बल्कि जीने आई हूँ। जीने आई? और वो भी मेरे धोरे? अरे मैंने तो तुझे जयकर भी देखा, मरने के नाम का देखा, तू मेरे तो जीने की बात कर रही है। जब से मैंने तुम्हें देखा ना, जो तुमसे प्यार हो गया, मेरी रातों की नींद चैन सब उड़ गया। वाकई आरती, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो मैं तुम्हें कभी अपने से जुदा नहीं होने दूंगा। योगेश भाई, डैडी का यही जो काम हमें करना था वो खुद कर गई।
होगी बस, अच्छा सीला दिया उसने मेरे प्यार का। अगर मुझे उसके बारे में पता होता तो आज मुझे दिन न देखना पड़ता मेरे भाई, आज मुझे दिन न देखना पड़ता। भाई मैंने समझाया था इन लड़कियों के चक्कर में ये साली बेवफा होती है बेवफा। अरे मुझे जितनी बार भी मिली, कभी उसका हाथ में रस्सी, कभी नदी के पुल पे, कभी कुएं में, मैंने सोचा आत्महत्या करने जा रही है वो। अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मेरे भाई तेरा भाई है, कभी उससे दिल ना लगाता, कभी भी दिल ना लगाता। पर समझ में नहीं आती तुम्हें प्यार करते चक्कू क्यों मारा, तुम्हें मारने की कोशिश क्यों करी। हाँ ये बात तो मैं उससे जरूर पूछूंगा, एक बार मुझे मिल जाए बस वो। अलग रहा चकनट भाई, देख अलग रहा, लेके ही आवेगा। चकनट कैसे, कहाँ से लाएगा चकनट, चकनट कहाँ से लाएगा उसको। अरे वो हमें मिली। कहाँ मिली तुम्हें वो? रस्ते में मिली, जभी तो मैं तुम्हें बुला के लाया हूँ। आने दे आज उसको, आज मेरे भाई सारी बात पूछूंगा उससे कि ऐसे क्या गलती हो गई थी मेरे प्यार में कि उसने मुझे खाओ दिया। देख आ लिया तू, देख तू, छोड़ो मुझे, चल यहाँ से। देख क्या करा करा मत करती भैया, क्यों क्यों दिया तुमने मुझे धोखा। अरे मैंने तो तुझे सच्चा प्यार किया था और तूने मुझे प्यार का ये सिला दिया। नन्ही आप गलत समझ रहे हो, मैंने आपको नहीं मारा, मेरी मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी मेरी? जो तुमने मुझे चाकू से गोंदा। मुझे माफ कर दो, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं कर सकता। इसके आंसुओं में मत जावे, इधर बहुत बड़ी क्रिकेट रंग बदलती है। नहीं तिरिया है तिरिया। नहीं नहीं संजीव, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कैसे समझू तुम्हारी बातों को, कैसे समझू। अरे दिल से प्यार किया था मैंने तुझे और तूने मुझे सिला दिया। नहीं जोगी भाई समझा से, समझा से। इतने लंबे चक्कू तोड़ दे, क्यों समझा? इसे मैं जान से भी प्यार करता हूँ और तुमने इसे पेट में चक्कू ढूंढ दिया। चकनट भाई, इसे ले जा मेरी नजरों से। नहीं। दूर ले जा। नहीं। तू प्यार का मतलब नहीं समझती, क्या होता है प्यार? तुझे पता प्यार क्या होता है? अरे प्यार में आदमी जान देते हैं, और जान देते हैं। इसने तो मेरी जान लेने की कोशिश की है मेरे भाई, मेरी जान लेने की कोशिश की है। इसको क्यों हासिल करूंगा मैं, बताओ तो, क्यों हासिल करूंगा? मुझे माफ कर दो संजीव, मेरी कोई गलती नहीं थी, बहुत मजबूर थी। मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया है, पर मेरी मजबूरी समझो। एक मिनट, अगर तुम्हें मेरे पे यकीन नहीं, अगर मुझ पे विश्वास नहीं, तो ये लो पत्थर, मार डालो मुझे। मैं इतना बुजदिल इंसान नहीं हूँ कि लड़कियों पर हाथ उठाऊं। पर तुम्हारी मजबूरी क्या थी? अगर तेरी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता।
और उन जालिमों ने तेरे साथ ऐसा किया है तो मुझे कसम गंगा मैया की मैं तेरे साथ हूँ। चल सारों का बीच नाश कर दूंगा। रुक संजीव, रुक संजीव, रुक। और संजीव को कोई नहीं रोक सकता। बहुत गुस्से में जोगेश को मार डालेगा। मैं काम करता हूँ, खुद को बुलाने जाता हूँ। संजीव को सारी बात बता दी तो संजीव योगेश को मारन जा रहा है। हाँ, और केला गया। कहाँ है योगेश? के आगे रहा संजीव। ओ चलिए मजाल, तुम मेरे घर तक आ गया। आ तो गया अपने पैरों पे, वापस मिल जाएगा। वो तो वक्त बताएगा कि कौन किसके पैर पर आया था और जाएगा कौन किसके पैर पर। क्या बचना पड़ेगा? बहुत बढ़िया। अजी, आर्या, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी।